खबर लखनऊ से, जहां पर नगर निगम के कर्मचारियों ने ईपीएफ घोटाले को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है। दरअसल कई सालों से नगर निगम के कर्मचारियों को नगर निगम ठेकेदारों की तरफ से ईपीएफ नहीं मिला है और ना ही खाता खुला है। वहीं ईपीएफ के लिए उनका जिनका खाता खुला है उनके खाते में ईपीएफ का पैसा आया ही नहीं है। इसी को लेकर आज कर्मचारियों ने सीबीआई जाँच की मांग की है। उनकी आधी से ज़्यादा सैलरी गबन की जा रही है, ना उन्हें पीएफ दिया जा रहा है, और पीएफ का आंकड़ा अगर जोड़ा जाए तो लगभग 50 अरब के ऊपर का है, जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इतने लंबे समय से ये सिंडिकेट चल रहा है और इस सिंडिकेट को कोई तोड़ नहीं पा रहा है। ये सफ़ेदपोश अपराध है और ये सरासर अन्याय है, क्योंकि ये जो हमारे माली बंधु हैं या सफाई कर्मचारी बंधु हैं, इनकी एक फिक्स सैलरी होती है, उस सैलरी में से दुगने से भी ज़्यादा 3 गुना काटा जा रहा है, और प्लस जो सरकार से मिल रहा है उसको भी हजम किया जा रहा है, लेकिन बताने के लिए कोई ये नहीं तैयार है कि कहाँ जा रहा है पैसा। जबकि मैंने 64 लोगों के साथ जब मैं ये लड़ाई चालू किया हूँ 2016 में, तो मैंने RTI के थ्रू जब आते ही पूछा तो इन लोगों ने कहा कि सुधर जाओ, नहीं तो बहुत गलत हो जाएगा, धमकाया।